क्या है श्याम कुंड का रहस्य। बाबा के दरबार में देश से लेकर विदेशों से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बाबा के दर्शन तो कर लेते हैं लेकिन वह श्याम कुंड के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वहां नहीं जा पाते हैं। आर्य का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये बात तो सभी को पता, पर इस बात के पीछे की असली कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखें। भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरिक नामक महाभारत के एक को समर्पित है, इसलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माता से सीखी थी और भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। ये 3 बाण उन्हें तीनों लोगों को जीतने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे तब उनकी माता ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा हो तुम उनकी तरफ से युद्ध लड़ना, क्योंकि उनकी माता ने कहा था कि जो हार रहा हो उसकी तरफ से लड़ना, इसीलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक के बारे में पता चला तो वो ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक से मिलने के लिए चल दिए। बर्बरिक से मिलने पर बर्बरिक ने बताया कि उनका एक बाण ही शत्रु की सेना को मारने के लिए काफी है, ऐसे में अगर उन्होंने 3 बाणों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाही और उन्होंने पास ही खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदने को कहा। बर्बरिक की योग्यता को और अच्छे से समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया और जैसे ही बर्बरिक ने बाण चलाया तो सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपना पैर हटा लीजिए अथवा पैर में चोट लग जाएगी। यह देखकर श्री कृष्ण बर्बरिक की योग्यता को पूरी तरह से समझ चुके थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है, ऐसे में अगर बर्बरिक उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत नाम आ सकते हैं, और उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरिक का सिर मांग लिया। बर्बरिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काटकर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध को देखा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। इस कहानी से हमें खाटू श्याम जी की जीवन कथा तो पता चल जाती है, लेकिन यह सवाल अभी भी उठता है कि कलयुग में खाटू श्याम जी के मंदिर और खाटू श्याम कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई। यह बात है लगभग 1100 ईस्वी के आसपास की। रूप सिंह चौहान जी की पत्नी नर्मदा कंवर को एक स्वप्न आया था जिसमें उन्हें जमीन के अंदर गड़ी एक मूर्ति दिखाई दी थी, जिसके बाद उस स्थान पर खुदाई की गई थी जिससे वास्तव में एक बक्से में खाटू श्याम जी का सिर निकला था, और उसी खुदाई वाले स्थान पर एक कुंड का निर्माण हुआ था जिसे खाटू श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यह श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर के ही पास है। माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, इसीलिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। खास तौर से वार्षिक फाल्गुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत मान्यता है। यह कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है। इस कुंड में 12 महीने पवित्र जल भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड का जल पाताल से आता है। कैसे पहुँचे खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी खाटू गांव में मौजूद है और रिंग्स जंक्शन रेलवे स्टेशन निकटतम है। यहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।